कर्नाटक चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की हार मोदी की हार है। बीजेपी यह बात पहले से ही जानती थी, इसलिए बीजेपी ने मोदी की जगह जेपी नड्डा की फोटो हर जगह लगा दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बेरोजगारी महंगाई से परेशान हो गई है, जिसका परिणाम आज कर्नाटक में देखने को मिला है। सीएम ने कर्नाटक में जीत के लिए राहुल गांधी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं। बिल्कुल, जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी से पहले से जान चुकी थी। और इसी कारण से जितने मीडिया हैं उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया, तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। देखिए, मैं तो राहुल जी की पदयात्रा में भी गया था, वहां उसी से समझ आ गया था भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी है, महंगाई है, 40% जो कमीशन है उससे लोग परेशान हो चुके थे। और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया और प्रियंका जी को और खासकर जो स्टेट लीडरशिप है उसको बधाई देता हूं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं